Big, big congratulations. Your show is going to launch soon. So tell me, nervous, excited, what are your feelings exactly? Thank you so much, Kindri, for congratulating me. And नर्वस पहले थी जब मैंने ऑडिशन दिया था, अब तो सब एक्साइटमेंट है. सो काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स के बिकॉज सबको है कि हमें शो को एक्चुअली बहुत लंबी उड़ारियां देनी है. सो वी आर जस्ट होपिंग कि बहुत अच्छा, और हम सब ने इतनी मेहनत की है तो इस शो को उतनी उड़ारियां मिलनी भी चाहिए. और यस, मिक्स्ड फीलिंग्स, एक्साइटमेंट, नर्वस. Right. But like every, I think every a week or every second week, there is a show which gets launched in a channel. Okay. Of course, there is audience for every show. But अगर आपका शो आ रहा है एज एन एक्टर, what do you think कि ये किस तरह की ऑडियंस को आपका शो ग्रैब करेगा, और व्हाट इज दैट वन थिंग दैट पीपल विल एक्चुअली कम टू द टीवी स्क्रीन एंड दे विल ट्यून इन टू कलर्स एट योर टाइम स्लॉट, व्हाट इज दैट वन थिंग? सो लेट मी टेल यू वन थिंग. तो इसमें क्या है, हमारा जो शो है ना, उसका कॉन्सेप्ट है फैमिली ड्रामा. एक पागल फैमिली दिखा रहे हैं जिन्हें कनाडा जाने का भूत सवार है. मतलब एक सबके अलग अलग सपने होते हैं, पर एक फैमिली पंजाब की जिसको कनाडा जाने का भूत सवार है कि ऐसा क्या है कनाडा में, पर उनकी खुशियां कनाडा में बसती है. तो ये बिल्कुल टिपिकल ड्रामा नहीं होगा. हमारी फैमिली का हर एक कैरेक्टर बहुत अलग है. आपको हर एक कैरेक्टर को देखने में एंजॉय आप करने वाले हैं, सब व्यूअर्स. सो आई एम श्योर, आई थिंक हर एक कैरेक्टर की एक अलग वैल्यू है हमारे शो में, जो आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगी. सो दैट इज द रीजन. और अपने कैरेक्टर के बारे में अगर कुछ बताना चाहे, क्या रोल है आपका, किस तरह हम आपको इस शो में देखने वाले हैं? तो मैं तेजो संधू, संधू परिवार की सबसे बड़ी बेटी. और हमारा जो संधू परिवार है, उनका एक सपना है कनाडा जाने का. और मेरी जो छोटी बहन है जैस्मिन, वो तो जब से पैदा हुई है तब से उसका सिर्फ एक ही सपना है, कनाडा जाना है. मतलब कनाडा जाना है, बस उसकी लाइफ ही कनाडा में है, उसको और कुछ नहीं नजर आता. बट तेजो, तेजो को ऐसा कोई सपना नहीं है तेजो का. तेजो को सिर्फ पंजाब में रहना है, उसको पंजाब से बहुत प्यार है, इंडिया बहुत प्यार है इंडिया से. तो तेजो को सिर्फ पंजाब में रहना है, और वो पंजाब में ही अपनी पहचान बनाना चाहती है. वो प्रोफेसर बनना चाहती है. और तेजो जो है काफी हार्ड वर्किंग लड़की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है. और अपनी फैमिली की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है. उससे कुछ भी सैक्रिफाइस अगर उसे करना पड़े तो वो हिचकिचाएगी नहीं. वो अपनी फैमिली से इतना प्यार करती है, और उसकी छोटी बहन तो उसके लिए जान है, उसकी जान बसती है उसमें. तो अगर उसका सपना है कनाडा जाने का, तो ऐसा नहीं है कि मुझे पंजाब में रहना है इसलिए मैं कनाडा जाने में हेल्प नहीं करूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर उसे कनाडा जाना है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उसका ये सपना पूरा करने में. ये तेजो है. Right. Was it difficult, to look as a Punjabi character, whether it's, the costume or whether it's, lehja jo hota hai. Punjabi peoples are, most of the very vibrant, energetic and very happy-go-lucky people. So kuch apne as an actor, kuch apne inputs daale taki you look very convincing as a Punjabi kuri. अच्छा. जो सबसे पहली चीज है, पंजाबी लड़कियां, पहले मुझे बोला गया था बड़ी हेल्दी सी होती है, तो मैं उस पर पूरा ध्यान दे रही हूँ. मैं पंजाबी खाना, मुझे इतना पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ. ठीक है. उसके अलावा पंजाबी एक्सेंट है जिसपे वी आर वर्किंग हम सब एक्चुअली, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ, जो मेरी छोटी बहन है जैस्मिन वो MP से है, फतेह है वो मेरठ से है. तो हम कोई भी हम में से पंजाब से नहीं है, तो पंजाबी एक्सेंट पे हम बहुत काम कर रहे हैं. हमारे जितने भी पंजाबी एक्टर्स हैं साथ में, जैसे मेरी मम्मी पंजाब की हैं, अमृतसर की हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये लाइन कैसे बोलेंगे पंजाबी एक्सेंट में, ये वर्ड कैसे बोलेंगे. तो एक एक चीज पे हम खुद वर्क करते हैं. बाकी सरगुन मैम भी बहुत हेल्प करती है हमें पंजाबी एक्सेंट पे. और लुक की बात करें तो लुक तो वहां पे ऑलरेडी इतने टैलेंटेड लोग हैं, डिजाइनर लोग हैं, तो प्रॉपर पंजाबन वाला लुक तो वो देकर रखते हैं. तो लुक की तो बिल्कुल टेंशन नहीं है. पूरा झुमकी, पायल, एक पिंड की जैसी लड़की होती है, बिल्कुल वो लुक हमें मिला हुआ है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल. जैसे आपने सरगुन की बात की, ऑफ कोर्स ये उनका पहला टेलीविजन वेंचर है, आप लोग के लिए भी ये शो काफी मायने रखता है. पहली बार एक प्लॉट लाइन, एक स्टोरी है जिसकी स्टोरी प्लॉट लाइन काफी सिंपल अभी के लिए लग रही है कि कनाडा जाना इस फैमिली का सपना है. सो एज एन एक्टर, और कितनी सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगता है, बिकॉज सरगुन एंड रवि हु आर ऑलरेडी अ नोन, वेरी नोन फेस ऑफ टेलीविजन,
उनका ये पहला प्रोडक्शन वेंचर है, तो अगर किस तरह से बातें हुई हैं आपके और उनके बीच में रिगार्डिंग द शो को लेकर? रिगार्डिंग द शो, ओके, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक सरगुन मैम एंड रवि सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम. जब तो मैं आपको बताती हूँ कि ये शो मुझे एक्चुअली कैसे मिला था. वन फाइन डे आई वोक अप और उठते ही मैं प्रे करके फोन देखती हूँ, इंस्टा देखती हूँ, तो कोई कुछ काम का मैसेज होता है तो आई रिप्लाई, तो सडनली आई जस्ट सॉ कि सरगुन मैम का टेक्स्ट आ रखा है. मुझे लगा अच्छा सरगुन मैम का टेक्स्ट आया तो आई एम श्योर कुछ अच्छा होगा. सो आई गेव द ऑडिशन दैट डे एंड आई गॉट फाइनलाइज्ड. दैट्स हाउ दिस शो बिकेम लाइक अ बेबी टू मी अगेन, बिकॉज सरगुन मैम और रवि सर का भी ये शो एक बेबी जैसा है. और हम सब ने, मैं, जैस्मिन, फतेह, हम तीनों ने, अंकित, ईशा, प्रियंका, हम तीनों ने शो को बिल्कुल बेबी की तरह ही माना है, क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं रवि सर और सरगुन मैम, उन्होंने हमें उसी तरह से रखा है. हमें किसी भी चीज का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, दे आर ऑलवेज देयर. रवि सर कई बार शूट पे बिजी होते हैं, नहीं आ पाते, बट सरगुन मैम इज ऑलवेज देयर फॉर अस. तो उन्होंने काफी हमें सपोर्ट किया है और काफी हमें कुछ सिखाया है, क्योंकि वो भी एक्टर हैं तो हमें काफी अच्छे से समझते हैं, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया है. तो हमें बहुत अच्छे से कुछ भी चीज का अगर प्रॉब्लम होता है, सो दे आर ऑलवेज देयर. एंड या जैसे एज आई टोल्ड यू कि उन्होंने ये शो उनके लिए एक बेबी की तरह, और इसी बेबी को बस हमने उड़ारियां दिलवानी है. जी 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 शो अभी तो यू नो जैसे प्रेजेंट हो रहा है, यू नो इट इज अबाउट यू नो इंडिविजुअल्स ड्रीम, हर एक का जो तीनों कैरेक्टर का सपना है, बट इट इज आल्सो कमिंग अक्रॉस एज अ लव ट्रायंगल. सो ये लव ट्रायंगल कितना है इस शो में, कितना परसेंटेज है, या आगे जाके में अभी तक दिखा था क्या लव ट्रायंगल है? क्योंकि देयर इज अ हिंट, एक्चुअली हिंट आपको ऐसा लगा? ओके, तो बेसिकली लव ट्रायंगल, इवन आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है, बिकॉज जैस्मिन को प्यार करता है फतेह, सो देयर इज, मैं उसके भी लाइफ में कहीं नहीं, ठीक है. हम सबके सपने हैं, सपना है जैस्मिन का कनाडा जाने का, सपना है तेजो का पंजाब में रहने का, प्रोफेसर बनने का, सपना है फतेह का जैस्मिन से शादी करने का. तो वो दोनों की लव स्टोरी है अभी, पर तेजो के सपने भी हैं, उन दोनों के सपने भी है. सपने आपस में कैसे टकराते हैं, कैसे इनकी कड़ियां जुड़ती हैं या उलझती हैं, ये हमें पता लगेगा इस शो में. तो बस ये सपनों की कहानी है. जी जी, आखिरी दो सवाल आपसे पूछना चाहेंगे. यू नो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा आप लोग को शूट करते हुए, बट स्पेसिफिकली आप तीनों, यू नो फतेह, जैस्मिन, कैसा रहा तीनों के साथ शूट करना, एंड स्पेशली जैस्मिन तो क्योंकि आपकी बहन बनी है, तो वो ऑर्गेनिकली केमिस्ट्री आ जाए, तो किस तरह से माहौल है शूटिंग का? विद माय ब्रॉड स्माइल यू गेट द आइडिया. सो वी हैव लाइक अ क्रेजी कास्ट, एवरीवन, नॉट इवन जैस्मिन, फॉर द एवरीबॉडी, दे आर लाइक पूरे पंजाबी वाली वाइब है, सब बहुत ही हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है टुवर्ड्स देयर वर्क, एट द सेम टाइम दे ऑल आर फन लविंग. तो हम तीनों की जो केमिस्ट्री है, और बाकी सबके साथ भी, जो मेरा बाकी भी जो कास्ट है उन सबके साथ, हम सबकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. हम साथ में खाना खाते हैं, साथ में काम करते हैं, एक फैमिली जैसा माहौल हो चुका है. और रही बात फतेह और जैस्मिन की, सो या दे आर रियली गुड एक्टर्स, गुड ह्यूमन बींग, काफी कुछ सीखने को मिलता है और काफी फन हमें सेट पे हमारे सेट पे होता है. जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी. अफकोर्स कोई भी शो रहता है, एक्टर की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है उस शो है शो से, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी एज एन एक्टर, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन व्हेन इट कम्स टू दिस शो, कि किस तरह से ऑडियंस उसे परसीव करे, आपको एज एन एक्टर ऑडियंस किस तरह से परसीव करे, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन उस शो से? बस मेरी एक्सपेक्टेशन एज एन एक्टर यही है कि जो मैं किरदार निभा रही हूँ तेजो का, वो मैं पूरे दिल से निभा रही हूँ, उसमें कोई 19-20 नहीं है, पूरे दिल से मैं किरदार निभा रही हूँ. और मैं कोशिश करूंगी कि आपको, आपका दिल मैं जीत पाऊं, और बस मेरी यही उम्मीद है, रिक्वेस्ट है आप सबसे भी, कि अगर हम इतने प्यार से ये शो कर रहे हैं, इतना बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, सब बहुत हार्डवर्किंग है, तो जितने प्यार से और हार्डवर्क से ये शो बन रहा है, उसी वही प्यार हमें अगर सबसे मिलेगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी. जितना प्यार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑन स्क्रीन, उतना ही प्यार अगर हमें मिलेगा, तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन.
जाते जाते फैंस को कुछ पंजाबी में मैसेज देना चाहेंगी तो क्या होगा अगर आप चाहें तो? Are you testing my Punjabi? No, it's your girl. एक दो शब्द भी या फिर उन्हें you know बस ये बता दीजिए क्या उनसे क्या प्यार है। मेरी मेरे सारे audience नू my Punjabi is really weak, so I'm trying. मेरे सारे audience नू मेरी यही request हैगी कि तुसी बहुत सारा प्यार सानू दो और असी भी try करांगे तो आड़ा दिल जीतन दा। Your Punjab is lovely actually and I'm sure ki aage jaake it's going to be wonderful. So thank you so much and all the best for your show. Thank you. Bye. Hi, this is Shruti Sharma and you are watching me on Glitz Vision USA.